फीचर्स ऑफ ओपीसी, फीचर्स ऑफ, फीचर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है विशेषताएं, ऑफ ओपीसी वन पर्सन कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। द मेन फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी आर एज फॉलोइंग। तो नीचे आपको चैप्टर में दिए गए हैं कि वन पर्सन कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर इज गिवन टू यू दैट ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। क्या है ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, खाली एक ही व्यक्ति की क्या होती है इसके अंदर आवश्यकता होती है। यानी कि वन पर्सन कंपनी को ओपन करने के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मैनी पीपल्स। एक अकेला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अपनी कंपनी को ओपन कर सकता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी को ओपन करने के लिए ओनली वन पर्सन इज नीडेड, एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। एनी वन पर्सन अलोन कैन गेट ओपीसी रजिस्टर। एक अकेला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, कैन गेट, वो क्या कर सकता है, वो ओपीसी वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकता है। एंड स्टार्ट द बिजनेस अंडर हिज कंट्रोल, और अपने कंट्रोल के अंदर उस बिजनेस को अपने हाथ मतलब उसके ही अधिकार के अंदर, अपने कंट्रोल के अंदर वो उसको चला सकता है। सेकेंड पॉइंट इज स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी, कि जो एक ओपीसी वन पर्सन कंपनी होती है उसका जो स्टेटस होता है वो किसके बराबर होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है बेटा जिसे दो व्यक्ति क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे PVT शब्द क्या होता है, लिखा होना ज़रूरी होता है। देखिए जो अगर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए दो लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को ओपन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी को अगर पैसों की या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोगों से शेयर इशू करके क्या है, कैपिटल अरेंज नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं आती है। प्राइवेट पीपल्स अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी काम किया जाता है वो एज़ पर लॉ ही किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन तो इसका भी क्या होता है, मस्ट होता है। अब बात आती है कि प्राइवेट कंपनी किस नाम से आपको कैसे पता चले कि ये जो कंपनी है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। यानी कि XYZ ये कंपनी का नाम है, उसके पीछे इस तरह से PVT LTD क्या है, ये शब्द लिखा होता है। प्राइवेट लिमिटेड, ये PVT प्राइवेट है, लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्या है, लिया गया है कि उसकी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, लाइबिलिटीज़ आर लिमिटेड होती हैं, इसीलिए LTD वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। PVT का मतलब होता है कि ये कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी like a private company, it implies that OPC has got all the exemptions and privilege like those of the private company. अब जो वन पर्सन जो कंपनी होती है उसे भी वो सारी की सारी exemptions यानी कि छूट किसे मिलती है, प्राइवेट कंपनी को मिलती हैं, वो भी क्या है, वन पर्सन कंपनी को मिलती है, वो सभी privileges, वो सभी फ़ायदे जो कि एक प्राइवेट संस्था को क्या है, कंपनी को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे वन पर्सन कंपनी के अंदर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड वर्ड इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। एक क्या किया जाता है, नॉमिनी, नॉमिनी वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे क्या होता है पिता के बाद पुत्र को क्या है, वो अपने पुत्र को, या फिर जैसे कि हम LIC वगैरह करवाते हैं या बैंक के अंदर कोई भी हमारा अकाउंट होता है तो वहाँ पर नॉमिनी पूछा जाता है, ठीक है। उत्तराधिकारी तो उसके अंदर किसी को भी बनाया जाता है, जैसे कि फादर है तो वो मदर को नॉमिनी बना देते हैं, या फिर कई बार पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को उसमें नॉमिनी दे देते हैं कि आफ्टर अस, हमारे बाद इसको क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी या फिर ये सब कुछ इसके नाम चला जाएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OPC, OPC की जब फॉर्मेशन की जाती है इट्स ओनली मेंबर हैज़ टू नॉमिनेट सम अदर पर्सन। क्यों, जो एक अकेला व्यक्ति इस कंपनी की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, उसी के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या करे, किसी अन्य पर्सन को वहाँ पर नॉमिनेट करे, यानी कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। द पर्पज ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन इज टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर। अब ये नॉमिनेशन वहाँ पर क्यों किया जाता है, किस लिए किसी को नॉमिनी बनाया जाता है, इसलिए एक पर्सन को वहाँ पर नॉमिनी बनाया जाता है ताकि अगर वो एक व्यक्ति क्या है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो क्या है, इनएबिलिटी ऑफ
मेन मेंबर्स, यानी कि क्या है, वो इन अवेलेबल नहीं है या बीमार हो गया, वो उसकी देखरेख नहीं कर सकता है, तो उसके स्थान पर उसके द्वारा मनोनीत किया गया जो नॉमिनेट किया गया पर्सन है वो क्या कर सकता है, उसको रन कर सकता है विद द डेथ ऑफ, या उस पर्सन की डेथ हो जाए या उसको इनएबिलिटी हो मेन मेंबर कंपनी को चलाने के, मेंबर ऑफ द ओपीसी द नॉमिनेटेड पर्सन बिकम द मेन मेंबर, तो फिर क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति को उसने नॉमिनी बनाया है वो नॉमिनेटेड पर्सन क्या हो जाएगा, मेन मेंबर बन जाता है कंपनी का एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपीसी। कब उसने उसका नाम दिया था, जब कंपनी का उसने रजिस्ट्रेशन कराया था एट दैट टाइम। अ रिटर्न कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन हैज़ टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस, और एक रिटर्न कंसेंट जो नॉमिनेट जिसे किया गया है पर्सन को, उसकी भी जो स्वीकृति है उसकी कंसेंट, यानी कि वो भी क्या की जाती है, जो रजिस्ट्रार है कंपनी का उसके पास सबमिट करवाई जाती है। नाउ द पॉइंट फोर्थ इज ज्वाइंट होल्डर। ज्वाइंट होल्डर यानी कि एक अकेला उसको होल्डर नहीं है, उसका मालिक नहीं है, ज्वाइंटली यानी कि किसी और को मिलाकर भी दो व्यक्ति भी उसके मालिक हो सकते हैं। इन एन ओपीसी इन एन वन पर्सन, एक अकेली कंपनी के अंदर, यानी कि वन पर्सन एक अकेले व्यक्ति द्वारा चलाई गई कंपनी, ओनली वन पर्सन इज द ओनर, अकेला व्यक्ति ही क्या होता है, ओनर होता है, मालिक होता है, ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी हिस्सेदारी उसके पास होती है। बट इफ़ टू पर्संस विश टू बिकम द ज्वाइंट होल्डर, अगर क्या हो जाता है, दो व्यक्ति क्या करते हैं, विश करते हैं, इच्छा रखते हैं, किस चीज़ के लिए, टू बिकम, बनने के लिए ज्वाइंट होल्डर, यानी कि दोनों ही क्या करें, उस कंपनी के मालिक बने, ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इट कैन बी डन। तो भाई दोनों ही अगर उस कंपनी के अंदर ज्वाइंट होल्डर यानी कि बराबर शेयर्स रखना चाहते हैं तो ऐसा भी इसके अंदर हो सकता है, इट कैन बी डन, ऐसा हो सकता है। इन सच अ सिचुएशन, और इस तरह की परिस्थिति के अंदर ज्वाइंट होल्डर शैल बी रिकार्डेड एज वन मेंबर। तो अब वो जो ज्वाइंट होल्डर है, जो दो लोग हैं ए और बी, दोनों को एक इकाई मानी जाएगी, यानी कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो दोनों को ही क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ मेंबर, वन मेंबर, एक व्यक्ति के रूप में। पॉइंट फिफ्थ इज लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो इसके अंदर दायित्व होते हैं, बेटा लाइबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से आप लोन ले सकते हो, कि कंपनी शुरू की है हमने, ठीक है, घाटा हो गया तो उस घाटे की भरपाई करने का अधिकार किसका है, हमारा है। तो अब इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप एक हमारी फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिसके अंदर क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति क्या करता है, अपना व्यापार करता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपके पास, आपके आसपास जो भी दुकानें पाई जाती हैं उसको एक अकेला व्यक्ति चलाता है, वो सोल प्रोप्राइटर होता है, अकेला वही सारा काम करता है, घाटा तो उसका है, मुनाफा है तो उसका है। कई बार अगर ज़्यादा घाटा हो जाए तो उसकी क्या होती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति होती है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है उस घाटे की भरपाई करने के लिए। लेकिन यही उसकी क्या है, सोल प्रॉपराइटर की सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी उसकी समस्या है, और इस समस्या को दूर कौन करता है, वन पर्सन कंपनी, एक कंपनी उसको पूर्ण करती है। कि जो हमारे पास सोल प्रॉपराइटर की क्या थी, सबसे बड़ी सोल प्रॉपराइटर बिजनेस की ये जो खामी थी, ये यहाँ पर दूर हो जाती है। यहाँ पर लायबिलिटी असीमित नहीं है सोल प्रोप्राइटर की तरह, यहाँ पर क्या है, लायबिलिटीज लिमिटेड है। इन ओपीसी वन पर्सन कंपनी लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी क्या है, लिमिटेड है। इन केस ऑफ लॉस, अगर क्या है, घाटा हो जाता है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, जो भी उसने क्या की गई है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंपनी, कंपनी के अंदर जो पैसे लगाए गए हैं, जितना अमाउंट लगाया है उसी से ही क्या किया जाएगा, उस घाटे की भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। छठा पॉइंट, सिक्स पॉइंट आपको दिया गया है, स्पेशल वर्ड्स विद द नेम। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं नाम के साथ क्या करने हैं, जब भी कंपनी ओपन होगी उसके साथ लिखना ज़रूरी है। सम स्पेशल वर्ड्स आर यूज्ड विद द नेम ऑफ ओपीसी के अंदर वन पर्सन कंपनी के अंदर लिखना, अंडर द नेम वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन द ब्रैकेट। मान लीजिए मैं यहाँ पर वन पर्सन कंपनी का मैंने नाम रख दिया है ए बी सी, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, ए बी सी लिमिटेड, तो मैं लिख नहीं सकती हूँ खाली, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी नहीं है। ए बी सी पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड भी लिख सकते हैं, या फिर एबीसी कंपनी लिख सकते हैं, और उसके ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज वन पर्सन कंपनी, क्या है यहाँ पर लिखा जाना ज़रूरी है, यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है एज पर द फीचर जो इसमें आपको दिया गया है सिक्स पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इन द ब्रैकेट्स के अंदर ये यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एन ओपीसी, एक वन पर्सन कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स होते हैं, एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही व्यक्ति होता है, जो मेन क्या है, मेंबर्स है कंपनी के,
वो भी क्या हो सकता है इसके अंदर, सॉरी बेटा, द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो इज डायरेक्टर, इनकी मेन व्यक्ति जो उसको ओपन कर रहा है वो ही इसके अंदर डायरेक्टर हो सकता है, यानी कि एक ही डायरेक्टर होता है इसके अंदर, और जो मेन पर्सन कंपनी को क्या कर रहा है, चला रहा है, वो भी क्या कंसिडर किया जाता है एज अ डायरेक्टर। बट इफ़ नीड भी, लेकिन अगर अगर आवश्यकता होती भी है तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी डायरेक्टर्स है कैन बी अप टू 15 तक डायरेक्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं। इस बात को याद रखें कि वन पर्सन कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 15 लोगों को डायरेक्टर हो सकते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है, फॉर ओ पी सी इट इज़ एब्लिगेटरी टू कॉल द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स ट्वाइस इन अ ईयर, कि जो ओ पी सी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं जितने भी हैं उनकी जो मीटिंग है वो क्या है, साल के अंदर ट्वाइस यानी कि दो बार होनी चाहिए। दी गैप पीरियड बिटवीन द, दोनों मीटिंग्स के बीच में जो गैप होता है कैन बी लेस, वो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर क्या है, इन केस देयर इज़ ओनली वन डायरेक्टर इन ओ पी सी, अगर वहाँ पर एक ही डायरेक्टर है अगर वन पर्सन कंपनी के अंदर, तो कोई भी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। पॉइंट नाइन्थ है एनुअल जर्नल मीटिंग, यानी कि साल के अंदर एक एजीएम होती है, वन पर्सन कंपनी उससे क्या है, उसको एग्जम्पशंस है, उसको छूट है कि इस, ये जो एपीसी होती है, एजीएम होती है, सॉरी बेटा, ओपीसी के अंदर ये जो एनुअल जर्नल मीटिंग है उसके अंदर उसे छूट दी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ऑब्लिगेटरी उसके लिए क्या है, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, उसे पास करना पड़ेगा। किसके अंदर, एजीएम होल्ड टू बी रिकॉर्ड इन द मिनट बुक, मिनट बुक के अंदर, इन मिनट बुक द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स वो क्या है उसके अंदर होने चाहिए विद द डेट टू बी देयर, उसकी डेट के साथ साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए। नाउ द टू पॉइंट्स आर मोर लिमिटेड, प्रीपेचुअल सक्सेशन, प्रीपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो कभी भी नहीं मरता है, इन केस ऑफ डेथ इन एबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर के अंदर डेथ हो जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, द नॉमिनी जो पर्सन है, मेंबर जो है वो कंपनी को चला सकता है। इस तरह से कंपनी हमेशा गोस ऑन कंटिन्यू रहती है, कंपनी कंटिन्यू टू बी हैव इट्स प्रीपेचुअल सक्सेशन, और कंपनी लगातार चलती रहती है, नहीं मरेगी। नाउ द 11th पॉइंट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी यानी कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान अलग अलग होती है। दी आइडेंटिटी ऑफ द ओपीसी, एक अकेले व्यक्ति की जो पहचान होती है वो सेपरेट होती है, अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है अपने मेंबर्स से। ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, द कंपनी कैन हैव असेट्स यानी कि संपत्तियां कंपनी के नाम से खरीदी जा सकती हैं उसके नाम से, एंड कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी अपने नाम से ही किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी अनुबंध के अंदर जा सकती है। इट कैन फाइल अ लीगल सूट, और कंपनी क्या कर सकती है, एक लीगली क्या कर सकती है, कार्रवाई भी कर सकती है, केस भी फाइल कर सकती है, और कोई अन्य व्यक्ति भी, अ लीगल सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इट ऑल्सो, और कंपनी के अगेंस्ट भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, सूट फाइल कर सकता है।